दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें हर जगह रोशनी रहती है, हर जगह दिए जलते हैं, पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। तो आ जाओ, दिवाली की प्रिपरेशन करते हैं। तो दिवाली है तो डेकोरेशन तो करना ही है, तो मैं सबसे पहले मम्मी के साथ निकल गई दिवाली के डेकोरेशन का सामान लेने। तो मैं अभी गई थी बाहर एंड मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। मैं कुछ भी उठा लाई हूँ, आई सीरियसली डोंट नो कि मैं क्या डेकोरेशन करने वाली हूँ। मैं बस सामान ले आई हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो मैं लाई हूँ ये झालर, ये पेयर में मिल रहा था तो मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं ले आई। देन ये एक और झालर, ये एक ही मिल रहा था, मतलब बहुत सारे थे वहाँ पर, मैं एक ही लेके आई कि इसका भी कुछ करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। देन मैं ये कुछ डिजाइन वाली दिया लेके आई हूँ। देन ये सिंपल दिया लेके आई हूँ 5, इनका भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। एंड ये तुलसी वाला दिया, ये मम्मी ने कहा ले लो, तुम यूज कर लेना फिर मुझे दे देना, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। ये मैं एक झालर लेके आई हूँ, लाइट जलती है, मैंने सोचा कि देखें इससे कुछ करा जा सकता है, देखते हैं क्या करेंगे। एंड लास्टली मैं ये कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स लेके आई हूँ। चलो अब अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज इट्स दिवाली, एवरीथिंग नीड्स टू लुक क्लीन एंड फ्रेश। मम्मी ने वैसे पूरा घर क्लीन कर लिया है, अच्छे से डीप क्लीन किया है, मैंने अपना रूम नहीं कराया। मैंने कहा कि मैं अपना रूम खुद करूँगी, मुझे अपना रूम क्लीन करना खुद पसंद है। तो चलो अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं। हम इसमें से थोड़ा बहुत और डेकोरेशन का सामान ढूंढ लेते हैं, शायद कुछ ना। सामान मैंने और निकाला है अपने बेड से, इसमें से कुछ ना कुछ यूज में तो आ ही जाएगा। क्लीन हो गया है, ये देखो पूरा क्लीन हो गया। यहाँ पे बेडशीट बाद में बिछाऊंगी, और ये सामान मैंने डेकोरेशन के लिए अलग किया है, तो वो सारा सामान है, एक बार डेकोरेशन कर लूंगी फिर यहाँ पे भी सफाई हो जाएगी। तो अब हम कल डेकोरेशन करेंगे। ये तो मैं अब डेकोरेशन करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा रेडी होके डेकोरेशन करते हैं, थोड़ा फील आएगी दिवाली वाली, तो चलो डेकोरेशन करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है, इसको दिवाली के दिन रंगोली के ऊपर रखूंगी। तो दिवाली है तो लड्डू तो मस्ट है, क्योंकि दिवाली है तो मिठाई शिठाई तो खाई ही जाएगी, तो मैंने यहाँ पे रवा के लड्डू बनाए।
हम तो ये बढ़िया लड्डू खाओ। वो गीले गीले हैं भाई, खा के देखो। अब खा के दिखा देगी, बढ़िया तो बने हैं। अच्छा बना है, वो गीला है। गीला है ओके, तो सूख जाएगा ना। का थोड़ा कम पानी डाले हुए थे तो बढ़िया बना था, और पानी ज्यादा होएगा। हाँ पानी थोड़ा ज्यादा था। अच्छा बना है। मैं भी टेस्ट टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। नाइस, अच्छा, ज्यादा मीठा नहीं है, मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद है। अच्छा है। ऑल्सो दिवाली है तो हम दिवाली के दिन क्या पहनेंगे, हमने ये भी डिसाइड कर लिया है। तो मैं ये पहनूंगी, ये कुर्ता है, ये पैजामा है, एंड ये इसका दुपट्टा है। ये मैंने, ये नया नहीं है, ये मैंने एक ही दो बार पहना है, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो दिस इज माई आउटफिट। दिवाली है एंड आप लोग को गिफ्ट तो देना ही होगा, तो मैंने सोचा चलो एक दो गिफ्ट आइडियाज मैं भी बता दूं आप लोग को। तो जो भी मैं आइडियाज बताने वाली हूँ ये सारे अमेज़न पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट गिफ्ट आइडिया है ये केटल सेट। ये इतना ज्यादा प्रिटी है, इसका कलर इतना प्यारा है कि मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस वन। इसके केटल के साथ ये 6 ग्लास भी आते हैं, तो ये गिफ्ट आप दिवाली पे दे सकते हो, बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। सेकेंड गिफ्ट आइडिया है ये ड्राई फ्रूट बोल। ये भी बहुत ही प्यारा है, एलिफेंट के ऊपर बोल रखा हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट लगा, तो ये भी आप दे सकते हो। थर्ड गिफ्ट आइडिया है ये टी लाइट कैंडल। ये इतना सिंपल है एंड मॉडर्न है और इतना प्यारा गिफ्ट है एंड सिर्फ 200 रुपए का है, तो ये भी आप दे सकते हो। तो मैंने तो दिवाली की प्रिपरेशन कर ली, मुझे दिवाली फेस्टिवल बहुत पसंद है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा दिवाली के लिए। और आप क्या क्या कर रहे हो दिवाली पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।